कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तवृंद चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद को अलग अलग भक्तों ने अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है। और एक व्यक्ति ने उनमें प्रश्न करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो दूसरे जीवों के ऊपर में कृपा किया है, हैं क्या वो कृपा सर्वश्रेष्ठ कृपा है, सबसे बड़ी कृपा वह है? जगत में बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग आए हैं, कोई अन्न छत्र खिलाते हैं, कोई देश सेवा करता है, कोई जाति सेवा करता है, इसलिए तरह तरह का लोग अलग 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 सब सेवा करते हैं, लेकिन महाप्रभु भी कुछ दिए हैं, कुछ किया है। तो इन्होंने प्रश्न किया, महाप्रभु जो जगत में जो चीज़ को दिया है, क्या ये सबसे श्रेष्ठ उपकार है, सर्वश्रेष्ठ दान है? तब प्रभुपाद कहते निश्चय है। इसलिए महाप्रभु जो चीज़ दिया ना जगत में, और कोई भी इतने बड़ी चीज़ नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं तब हव्यता होए ची है न प्रेमा परचा। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर एक हुए हैं, वो कहते हैं ए मन गौरांग बिना नहीं आर है न अवतार, हवे की होए छे है न प्रेमा परचार, दुरमति अति कथित पासंदी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय सधिल चाची गिया घरे घरे, हे मन गौर बिना नहीं आ। कहते हैं बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में इतने बड़े कृपा करने वाले कोई नहीं है। हब्बे की होए चे, कभी कभी हुए हैं, कभी और होएंगे नहीं। और ऐसे महाप्रभु जो प्रेम प्रदान किया, उनने क्या किया, उन्होंने घर घर में गए, महाप्रभु घर घर में गए, राम कभी घर घर में गए भिक्षा मांग, भगवान की भक्ति करो भजन करो, कृष्ण कभी घर घर में गए भिक्षा मांग करो भगवान की भक्ति करो, नहीं गए। लेकिन महाप्रभु ही ऐसे अवतार हुए जो जाची गया घरे घरे घर घर में गए और अपना झोली पसार करके भीख मांगे, बोले किस चीज़ की, दाल चावल आटा घी नहीं, तो नहीं केवल एक भीख मांगे, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिक्का, एक भिक्षा दो, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो भगवान कृष्ण को भक्ति करो, हैं बोलो भज कृष्ण कर कृष्ण सिक्का। अगर जीवन में किसी चीज़ को शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो कृष्ण भक्ति को ही जीवन में शिक्षा प्राप्त करो, इसी से ही तुम्हारे परम लाभ। फिर उन्होंने क्या किया, बोले ब्रह्मावीर चिर वांछित जित्रे जगते पहले लड़ाली, कंगाले पाया खाई लाचिया बाजाया करताली। ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव लक्ष्मी जिस ब्रज प्रेम को पाने के लिए बड़ी कठोर अभी भी तपस्या कर रहे हैं, कैसे हमें वो दुर्लभ प्रेम मिले। लेकिन महाप्रभु क्या किया, बोले भाई कलयुग में इतना परिश्रम करने का जरूरत नहीं, घर घर में जा जा करके जगाई माधाई जैसे पियत पड़े थे जो हरिनाम लेना नहीं चाहते थे, बोले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें उनको भी हरिनाम दिया, ले हमें हरिनाम देने के लिए आए हो, उठाया मटकी और सर पर मार दिए, सर को उन्होंने फोड़ दिए, सर को हैं सर को फोड़ दिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, बोले मेले मेरे छी कलसी काना ताई बोली की प्रेम दीवना, भले ही तुमने कलसी मार करके सर फोड़ दिया, इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा, जरूर तुमको भी
हम प्रेम दूंगा, हमारे फिनिया लहो बोलो गौर है। बोल यही बात बताए, देखो मैं तुम्हारे पास में बिक जाऊंगा, एक बार केवल मेरे प्रभु गौर हरि का एक बार नाम ले लो। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। अरे वो प्रेम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बजा या कर ताली। बोले ज्यादा परिश्रम जरूरत नहीं, कर मतलब हाथ, ताली मतलब बस। ताली बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस हो गया। और क्या, और क्या कर रहे हो कलयुग में? ज़्यादा परिश्रम थोड़ी कर रहे हो, ये आनंद ही आनंद है। भगवान कथा में भी आनंद, नाचने भी आनंद, और प्रसाद में भी आनंद है। सब उसमें आनंद ही आनंद है। अरे अरे प्रसाद में ज़्यादा आनंद है, इसलिए घर घर में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है, हैं चकाचक प्रसाद मिल रहा है भक्ति। इसलिए भगवान कलयुग में सब आनंद आनंद कर दिया। मतलब कलयुग में ज़्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। बस भगवान के भजन का नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, खूब नाचो गाओ ए भक्तों के साथ में, खूब कीर्तन करो, ज़्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कहते निश्चय ही महाप्रभु का जो कृपा, ऐसी कृपा जगत में कोई किया नहीं। उन्होंने जो चीज दिया ना, ये चीज किसी ने भी नहीं दिया। क्या किया दिया? बोले महाप्रभु, ओ महाप्रभु भक्तगण न्याय सर्वश्रेष्ठ उपकारी आर है ना ही हवे ना। कहते महाप्रभु, महाप्रभु का जो भक्त लोग है, कहते इन लोग जैसे उपकार किया है, कभी ऐसे उपकार हुए ही नहीं, कभी नहीं होने वाले हैं। कहते अन्यान्य उपकार प्रस्ताव बा छलना उपकार नामे महा अपकार। कहते दूसरे दूसरे लोग भी कुछ दान देते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल दिया, कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, अलग अलग सब दान देते हैं, कोई अन्न छत्र खोल देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते उनका जो उपकार है ना, कहते ये ठकना, वो ठक रहे हैं, कोई उपकार पुकार नहीं कर रहे हैं, वो सब के सब ठक रहे हैं। देखो एक चीज अच्छे तरह समझो, कोई गरीब व्यक्ति रास्ता में घूम रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, हमें उसको खाना खिला दिया, ये भी एक उपकार। लेकिन साधु लोग कहते ये उपकार नहीं, अपकार किया है, उसका अमंगल किया है तुमने। कैसे ये चीज़ को समझो, मतलब एक व्यक्ति रोड में जो भीख मांग रहा है, दर दर भटक रहा है, खाना नहीं मिल रहा, क्यों नहीं खाना मिल रहा, उसको पूर्व जन्म का ऐसे कर्म है जिस वजह से उसको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तुमने किया, सोचा शायद इसको कुछ खाना दे दूँ, इसको कुछ खाना दे दूँ शायद उसको उपकार हो जाएगा। उपकार नहीं हुआ। एक तो वो गड्ढे में गिरा हुआ, कि गड्ढे में गिरा हुआ है इसलिए दुख कष्ट पा रहे हैं, ऐसे कोई अच्छा कर्म नहीं किया। लेकिन ये तुमने कर क्या कर लिया तुमने, फिर उसको जो खाने के लिए दिया, क्यों खाने के लिए दिया बता। इसलिए अगर इसको खाने देंगे तब मेरे को क्या होगा, पुण्य मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। इधर देखो ठीक से समझो, कहते उसको खाने के लिए देने के, तो मेरे को क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा उसको। जब हमें पुण्य मिलेगा, हैं जब हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसका जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना, वो थोड़ी बहुत पुण्य को हमने छीन लिया, छीन करके उसको और भी ज़्यादा गड्ढे में उसको हमने गिरा दिया। इसलिए उसको ऊपर हमने कृपा नहीं की, उसको उपकार नहीं, उसको ऊपर हमने अपकार किया है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, उसको हमने उपकार किया। देखो हमारे जो बड़े गुरुजी, एक समय माता जी चुपचाप बैठो, इधर कथा सुन, सारी दुनिया की मत देखा करो। इसलिए एक समय हमारे बड़े गुरुजी कहीं किसी ने आँखों की हॉस्पिटल किसी ने खोला, हमारे गुरुदेव को निमंत्रण दिया, मथुरा में गुरु जी का नाम बहुत था, तो उन्होंने हॉस्पिटल खोला, उन्होंने गुरुदेव को निमंत्रण दिया, हमने आँखों के लिए हॉस्पिटल खोल रहा, देखो गुरुदेव क्या बताए। बोले देखो बिल्लो मंगल ने ये आँख को फोड़ दिया। बोले आँख क्यों फोड़ दिया, उन्होंने जो भजन करने सब छोड़ कर भजन के लिए गए ना, फिर इनका जो आँख है एक सेठानी का प्रति आकृष्ट हो गया, है एक सेठानी के प्रति आकृष्ट हो गया। बोले दुष्ट, हम कहाँ घर बार छोड़ कर भजन के लिए गए, और ये आँख हमें क्या किया, फिर सेठानी को पीछे तुमने फिर ले लिया। बोले न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, ये आँख जितने दुष्ट हैं, गंदी गंदी चीज़ को देख देख करके और अंदर में गंदी गंदी चीज़ को डालते हैं। बोले आँख फोड़ दिया उन्होंने। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देख कर कहते, देखो तुमने आँखों की हॉस्पिटल खोल दी, लोगों का आँखों के सही करोगे, लेकिन अगर वो इन्हीं आँखों से दिन भर वीडियो देखते रहेगा,
सिनेमा देखते रहेगा, गंदी गंदी चीज़ देखा, तुमने उसको उपकार किया ना अपकार किया है? अपकार तुमने किया, उपकार तुमने नहीं किया। हाँ, इन्हीं आँखों का अपर्शन करने का तभी सार्थकता है अगर इन्हीं आँखों से ठाकुर को दर्शन करते, भगवान का धाम में जाते, संतों को दर्शन करते, तभी तक ये आँखों का तुमने हॉस्पिटल पर ना सार्थकता हुआ। लेकिन जब इन्हें आँखों से गलती गंदी गंदी चीज़ देखेगा उसका तो सर्वनाश कर दिया, बल्कि आँख नहीं था तो बढ़िया था, भगवान की भजन करता। और आँख अब देखना, अब बैठो भजन करने के लिए, देखना आँखों में जो चीज़ देखे होंगे वही तो याद आएगा ना, और जो चीज़ नहीं देखोगे वही याद ही नहीं आएगा। इसलिए ये आँख जितने इंद्रियों में ना, सारे हृदय में गंदी चीज़ डालने वाली आँख हैं, इसलिए कभी भी इन्हीं आँखों से उल्टा पुल्टा पिक्चर, उल्टा पुल्टा गंदी सिनेमा फिनेमा नहीं देखनी चाहिए। सारे गड़बड़ी चीज़ें आँख करने वाली हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, तुमने उपकार नहीं अपकार किया, ये कोई उपकार नहीं तुमने किया है, समझ रहे हो? उपकार नहीं किया लोगों का, आप आए आई हॉस्पिटल खोल दिया, लेकिन क्या करेगा लोग, विषय लोग हैं, दिन भर उल्टा पुल्टा चीज़ देखेगा, उल्टा पुल्टा चीज़ देखेगा। इसलिए यहाँ पर कहते जगत में जितने दया है, जगत में जिसको दया कहते ना, हम हॉस्पिटल खोल दिया उनके लिए, गरीब लोगों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, भैया क्या गरीब उसकी दूर हो जाएगी? कपड़ा दे दिया कुछ दिन बाद में फट जाएगा, भोजन दे दिया फिर दो चार घंटे के बाद में फिर उनको भूख लगने लग जाएगा, दवा दे दिया फिर नया बीमारी आ जाएगी, हैं? ये परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जगत में जो दान लोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दान हैं जो दान दे रहे हैं, कहते वो दान, कहते ये उपकार नहीं, कहते ये छलना है, ये ठगना है। महाप्रभु महाप्रभु भक्तगण उपकार सत्य सत्य नित्य परम उपकार, लेकिन महाप्रभु का भक्त लोग जो दया करते हैं, दान करते हैं सर्वश्रेष्ठ। जैसे आपके घर में भागवत कथा हुई है, भागवत कथा हुई, हाँ ये उपकार, इसमें पैसा खर्चा आपने किया, किया कि नहीं? पैसा प्रसाद दिया अलग अलग चीज, हाँ ये पैसा के साथ होगा, क्योंकि आपका जो अर्थ है लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की है लक्ष्मी, जो भगवान की सेवा में भागवत सेवा में लग गई, बस लक्ष्मी भी कृपा करती है, लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, आज मेरे को उसने मेरे प्रभु की सेवा में लगा दिया, आशीर्वाद देगी लक्ष्मी आपको, क्योंकि लक्ष्मी आपको सही काम में, लक्ष्मी सही काम में लग गई है। इसलिए देखो भागवत में ये भागवत कथा दान का कितना महिमा है, बोले ये दसम स्कंध में कथा आती है, बोले एक समय कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा एक कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ, किकलास गिरगिट पड़ा, और ऐसे फंसा हुआ ना वो दम टस मस नहीं हो पा रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। तो कृष्ण के पुत्रों ने कोशिश किया उसको निकालने के लिए, लेकिन किसी तरह से उसको निकाल नहीं पाए। तो उनने कृष्ण को बोला, बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ। पिताजी बोले क्या बात? बोले देखो इसके अंदर में कितना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ, फंसा हुआ, निकल नहीं पा रहा है। कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण आए और अपना उनने चरणों को बढ़ाया, जो चरणों को बढ़ाया और वो गिरगिट में चरण स्पर्श होती ना, उसने बड़ी सुंदर एक देवता रूप धारण किया। कृष्ण के बच्चे लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या, ये तो गिरगिट बना हुआ था। तब उन्होंने कृष्ण सब जानते हैं, बोले आप कौन हो, हमारे बच्चों को थोड़ी शिक्षा दो, आप कौन हो? तो कृष्ण चाह रहे थे बच्चों को कुछ ज्ञान मिले। इतने में उन्होंने बोले आप लोगों ने, ये द्वापर का अंतिम में, बोले आपने सुना होगा सत्ययुग में एक नृग नाम के राजा थे। हाँ हम तो सुना, तो बहुत बड़ा दानी थे। कहते पृथ्वी का रेती को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन इनके दान को कोई नहीं गिन सकते हैं। उतने इतने गैया दी, जो गैया के सींग को स्वर्ण में मढ़वा करके, खुर को चांदी में मढ़वा करके उन्होंने दान दिया, इतने दान दिया। लेकिन क्या हुआ, गलती से संकल्प करके जब एक गैया किसी ब्राह्मण को दे दिया, उनने गलती से उसी ब्राह्मण फिर उसी गैया को संकल्प किया, फिर दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी जिसको पहले दिन दिया था ढूंढते ढूंढते आ रहा है, और आ करके देखा उसको दूसरे ब्राह्मण ले जा रहे हैं। बोले कहाँ ले जा रहे हो भैया, गैया मेरी है, राजा ने कल मेरे को दिया था, तेरे को दिया, अभी तो राजा मेरे को संकल्प करके आज अभी हमें दिया। बोले नहीं राजा कल मेरे को दिया था, अभी तेरे मेरे करते करते दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते राजा के पास में आए। राजा तो कांप उठा, बोले क्यों,
जब एक बार आप संकल्प करके कोई चीज किसी ब्राह्मण साधु को दे देते हो, आपको हक नहीं फिर उसको दो बार संकल्प करके और किसी को दे सकते हो, हक नहीं है। राजा देखा मेरा गलती हो गई, चरण में गिर पड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, बोले एक काम कर, ये गैया एक व्यक्ति ले जाए, इसको विनिमय में 10 गैया देता और एक ले जाए। लेकिन दोनों लड़ते लड़ते आए ना, मेरी तेरी तेरी मेरी करते करते आए, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए। तो उन्हें बोले 100 गैया दे देता हूँ, अब एक व्यक्ति ले लो इसको छोड़ दो। बोले नहीं, बोले 1000 देता हूँ, बोले नहीं, बोले 1,00,000 देता हूँ, बोले नहीं, बोले 1,00,00,000 देता हूँ, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए, यही गैया हमें चाहिए। लास्ट में क्या बोले जानते हो? बोले ओ गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, एक बार दे करके दो बार उसको दान दिए हो, तुमको अभिशाप देते हैं, गिरगिट तेरे को बनना पड़ेगा। मरने के बाद जब महाराज के पास में जब गए, चित्रगुप्त को बोले कापी खोलो, कापी खोले तो बोले इतने सुने दान किया महाराज, इसका इतने दान जो सोच भी नहीं सकते, अक्षय स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बीच में गड़बड़ी भी किया है, संकल्प करके गैया दही करके फिर दूसरा बार संकल्प करके उन्होंने दिया, इसलिए उन लोगों ने अभिशाप दिया, गिरगिट बन गए। बोले बताओ पहले पाप लोग ना पुण्य लोग? बोले पुण्य तो बहुत है, हैं, और पाप तो थोड़ी सी है, भैया पहले पाप ही भोग लेता हूँ, बस गिरगिट बने। कौन सा युग में? सत्य युग में। अभी कितना दिन ही हो गया? सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर का अंतिम, करोड़ों साल तक उसने गिरगिट बन कर रहा। अभी यहाँ विश्वनाथ ठाकुर प्रश्न करते हैं, भैया उन्होंने तो ब्राह्मण को दान दिया, फिर कृष्ण का चरण स्पर्श कैसे हुआ? देखो उन्होंने क्या बताया, बोले एक बार क्या हुआ, इसका स्वभाव में था दान करना, एक दिन भगवत इच्छा से कोई साधु भी इसको घर में आए, जब आए स्वभाव था दान करना, सेवा करना, एक साधु को उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाए, बोले आपको कुछ चीज की जरूरत है? बोले एक भागवत ग्रंथ दे सकते हो, इच्छा है भागवत पढ़ने का। पहले तो ये प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, उन्होंने ताल तत्ते के ऊपर में लिखवा करके उन्होंने एक केवल भागवत ग्रंथ दान दिया। कहते भागवत कौन है? कृष्ण स्वयं, कृष्ण कहते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्थ अधुनाधिक। जब भगवान ये जगत छोड़ गए, जीव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में, सूरज रूप में उन्होंने जगत में प्रकटित होंगे। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर होता है, ये भागवत रूपी ज्ञान को जो प्राप्त करेगा उसका हृदय की सारे अज्ञान दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दिखाए, जब उन्होंने एक साधु को उन्होंने भोजन करवाया और ये भागवत दान दिया ना, इसका फल क्या मिला? कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन, जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति। लेकिन उसने कितने गैया दान दी, लेकिन उसका फल क्या हुआ? गिरगिट। क्या हुआ? गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए कहते जगत का जो दान है, दूसरे दूसरे व्यक्तियों को जो दान है, जो ब्राह्मण को दान दिया था ना, वो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भक्त ब्राह्मण नहीं थे। अगर कोई भक्त ब्राह्मण होता अगर देते है ना, इसकी दर्द को समझते, देखो इसकी गलती से ये हो गया है। संत बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं, इसके अपराध को माफ, कोई बात नहीं भैया गलती से हो गया, दे दिया दान, वो उसको मान लेते। लेकिन ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते इन्होंने इनका दुख दर्द को नहीं समझा और अभिशाप देकर चले गए। इसलिए कहते भैया जब दान देते हैं ना, कहते सतपात्र में दान देनी चाहिए, ऐसे स्थान पर दान दो, तुम्हारा जो दान है वो सही सही भगवान की सेवा में, कहते भगवान की जरूरत नहीं, सही सही भगवत सेवा में, सही सही भक्त सेवा में अगर ये दान लगता है ना, फिर दान की सदुपकार। इसलिए देखो हम जो संत लोग हैं, अगर हमें कोई पैसा दान देता है, ध्यान रखनी चाहिए ये दान का कहीं पैसा हमें कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगा रहे, इस चीज़ को हमें सावधान रखनी चाहिए। अगर देखो जैसे 10 रुपया कोई ऐसे घुमा घुमा कर देता है, जैसे भागवत में 10 रुपया देता है घुमा घुमा कर, आप पता है कितने पाप उसके अंदर में हैं, कितने पाप हैं, क्या क्या घुमा घुमा कर दे रहे हैं, क्यों घुमा करके देता है? कहते बेटा कहते नौकरी लग जाए, घर में हमारी परेशानी है, घर में हमारी दुख कष्ट, ठाकुर जी इसलिए ये 10 रुपया दे रहा हूँ, हमारे सब घर का
सब दुख दूर कर दो। वो 10 रुपया नहीं, गुरु जी कहते थे वो पाप पैसा है, वो सबके सब पाप पैसा है, इसलिए वो पाप पैसा को हम हजम नहीं कर सकते हैं। इसको अगर सही सही भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में लगे तो फिर वो पैसा की सही उपयोगी है, नहीं तो फिर वो पैसा फिर गड़बड़ी करेगा। ये पैसा सब पाप की पैसा, इसको हजम नहीं, फिर अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ेगा, जो पैसा दान में दिया था पैसा किया क्या तुमने, पैसा किया किया अपना भोग में लगाया ना, उसको गुरु वैष्णव सेवा में एक एक का हिसाब ऊपर देना पड़ेगा सबके साथ। इसलिए कहते साधु सावधान, इसलिए भिक्षा में जो पैसा आती है ये पैसा को इधर उधर चीज में हमें नहीं लगानी चाहिए, उसको सचमुच से भगवत सेवा में लगे। इसलिए किसको इधर उधर पैसा को, अगर भिक्षा के पैसा हम इधर उधर किसको दे दिया, नहीं, गुरुदेव मना करते थे। हमारे जो गुरुदेव थे ना, एक भक्ति विद्वान सागर महाराज, अभी जो मंदिर का इंचार्ज है, जो आचार्य है मंदिर के, मैं जब नया नया पहले आया, वो जो इंचार्ज थे परीक्षा करके लाते थे क्या खर्चा नहीं खर्चा सो लिखते थे, मैं देखता था। एक दिन उन्होंने लिखा, जैसे भिक्षा करने के लिए गई, उनको गला सूख गया तो उन्होंने 5 पैसा की एक मिश्री लाए थे, 5 पैसा की मिश्री, तो उन्होंने लिखे आज मैंने 5 पैसा का मिश्री खरीद करके मैंने खाया। तो मैंने महाराज से पूछा, अरे महाराज आप 5 पैसा की मिश्री, 5 पैसा की मिश्री लिख रहे हो, आज हमने गया तो गला, बड़ा धूप में घूमते थे भिक्षा, बहुत कष्ट से करते थे, कोई मठ को रखकर चलाते थे महाराज, बहुत परिश्रम जो सोच भी नहीं सकते, घर घर में जा जा करके, होली धूमों में जा जा करके 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा ऐसे ऐसे भिक्षा करके लाते थे और मंदिर का सेवा चलाया करते थे महाराज। मैंने कहा महाराज 5 पैसा क्यों लेते हो, बोले जानते हो 5 पैसा जिसने दिया क्यों दिया है, गुरु वैष्णव की सेवा में दिया, मेरे सेवा के लिए नहीं दिया, अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा ना ये चीज़ मेरे को पाप लगेगा, ये चीज़ मेरे को पाप लगेगा, तुमने 5 पैसा को जो दिया भगवत सेवा के लिए, तुमने सेवा में नहीं लगा, तुमने अपना भोग में लगाया। इसलिए जो कुछ हम लिखते हैं ये जाता है गुरु जी के पास में, जितने मठ का जो खर्चा बर्चा कितना आय हुआ कितना खर्चा हुआ वो गुरु जी के पास में जाता है, गुरु जी देखते हैं, इसलिए गुरु जी सब चीज़ को देखते हैं, हम कोई चीज़ गुरु जी से छुपानी नहीं चाहिए, हमें पैसा दिया प्रणाम अपना पकड़ में रख दिया। इसलिए मथुरा में जब हम रहते थे घर घर में जाते थे, जो जाते थे घर घर में तो वहाँ 1 रुपया 2 रुपया उस समय मिलता था, 1 रुपया 2 रुपया, गुरुदेव बोलते थे अगर जो दिया दिया जो नहीं दिया, बोले तुमने गए था आज प्रसाद पाने के लिए, बोले हाँ, बोले 1 रुपया प्रणाम मिला, बोले हाँ, बोले 1 रुपया कहाँ है, 1 रुपया कहाँ है, लाओ उधर, विषय का पैसा हजम नहीं कर सकते, ये पैसा को जमा करते 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 करना एक दिन हृदय में संभोग की वासना जगेगा, बोले पैसा क्या करेंगे, बोले शादी करेंगे। और सचमुच से हमने देखा कोई एक ब्रह्मचारी था, वो गुरु जी को पैसा नहीं देता, उसको छुपा छुपा कर गुरु जी रखता था, लास्ट में शादी था लेकिन भोग भी नहीं कर पाए, बहुत पैसा इकट्ठा किया गुरु जी से ठक ठक करके, गुरु जी को बिना बोले बहुत पैसा इकट्ठा, जो सोच नहीं सकते, शादी किया, शादी के जीवन में सुख नहीं मिला और आधा उम्र भी खत्म हो, आधा उम्र में गया सारे पैसा गुरु वैष्णव सेवा की पैसा गया, खुद भोग नहीं कर पाए, एक पैसे जोड़े सेवा की सेवा भी नहीं लगा, वो भी नष्ट हो गया। इसलिए जो सेवा की जो पैसा है ना कभी भी इधर उधर हमें नहीं रखनी चाहिए, एक एक जवाब देना पड़ेगा हैं। एक समय मैंने भिक्षा करके मथुरा में, हम जाते थे घर घर में भिक्षा के लिए, पैसा लाए, जब पैसा मेरा पेट खराब था उस समय, मेरा पेट मतलब हजम नहीं होता था, बड़ी कष्ट भोग करता था, हजम नहीं होता था, मैंने भिक्षा करके लाए घर घर से, भिक्षा करके लाए और गुरु जी को मैं उसी समय से हाथ में 40-50 रुपया उस समय कीमत था, 40-50 रुपया दिया, दे करके ना मेरे में दे करके हटा के मैंने मांगा, बोले महाराज जी मैं दवा के लिए मेरे को 10 रुपया दे दो। गुरुदेव बड़े डांट लगाए, क्या लगाए, बोले अभी अभी भिक्षा करके लाए और गुरु जी को दिया, अभी अभी पैसे मांगो, नहीं ये तुम्हारे अंदर में ये भावना आएगी, चूंकि मैंने भिक्षा किया ना गुरुदेव को, मैंने भिक्षा करके पैसा दिया ना अभी गुरुदेव में, तो बोले नहीं बाद मांग रहे ना, तो अभी तुमने मेरे को पैसा दिया, ये विषय का पैसा है, इसको तुम हजम नहीं कर पाओगे, इसका मतलब तू दे करके मेरे को मांग रहे हो, नहीं बाद में आकर के बाद में ले लेना, अभी मत मांगा। मतलब गुरु वैष्णव ने ये सब चीज़ को हमें एक एक चीज़ को उन्होंने
शिक्षा प्रदान किया है जीवन को, कैसे हमें भजन में कैसे लगानी चाहिए, भक्ति में कैसे लगानी चाहिए। गुरु वैष्णव सेवा की जो वस्तु कभी भी इधर उधर चीज में हम नहीं लगानी चाहिए, हर चीज गुरु जी को दे करके प्रसाद रूप में उसको लेकर के इसलिए करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे पैसा छुपाया और उल्टा पुलटा काम में लगाना शुरू कर देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, बिना गुरुदेव को बोले। सबके सब पाप है, ये सबके सब ये पाप है, इसको पाप नहीं करनी चाहिए है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु की जो दया है, बोले कहा दूस दस दिनेर उपकार नए तात्कालिक उपकार ने जे उपकार प्रस्ताव कुछ क्षण पड़े अपकार प्रसव करवे से उपकार द्वारा आर एक पक्षर अपकार हवे जेमन आमादर देशेर उपकार अन्य देशेर अपकार अनिवार्य। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु की जो दया है, कहते दो चार दिन की दया नहीं, किसको थोड़ी सी कोई चीज दे दिया थोड़ी दिन के लिए कोई अच्छा हुआ, बाद में कोई अमंगल हुआ, कहते महाप्रभु की दया ऐसे दया नहीं। महाप्रभु ने जो दया किया है, हैं महाप्रभु ने जो दया किया आत्मा की दया किया, इसलिए भागवत में बताया ना सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक सजे आहै तो की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। जब सुतो गोस्वामी ने प्रश्न किया आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हैं आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तो क्या कहते आत्मा को तब भी शांति मिलेगी जब ये जीव भगवान की शरण में जाएगा, जब उनकी अहित की भक्ति निरंतर जब ये भक्ति करेगी तभी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, नहीं तो ये शांति आत्मा को नहीं मिलेगी। इसलिए महाप्रभु ने भक्तों ने जो दया किया है, दो चार दिन की दया उन्होंने नहीं किया है, दो चार दिन के लिए बढ़िया हो गया उसके बाद फिर दुख कष्ट फिर परेशानी, इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन किया है। परमानेंट दुख दूर कैसे होगी, बोले तब तक ये दुख दूर नहीं होगा तब तक जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का जो स्वरूप वो कृष्ण का नित्य दास है, इसलिए जब तक उनका नित्य सेवा नहीं करेगा ये जीव, भले ही हम दुनिया का जो कुछ कर ले भैया ये दुख दूर होने वाले नहीं है, इसलिए ये आत्मा को शांति नहीं मिलने वाले नहीं। हम जो कुछ करते हैं शरीर के लिए करते हैं, ये शरीर के लिए करते हैं, शरीर का नश्वर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा के लिए जब करेंगे उसकी असली खुराक है भगवान की भक्ति, भगवान की नाम है, भगवान की भक्ति और भगवान की नाम। हाँ देखो हम एक छोटी सी कहानी सुनाते ना, देखो ध्यान पे करो ये कथा को आप सब जानते हो। एक समय कोई एक पिता और एक बच्चा कहीं मेला देखने के लिए गए, मेला देखने के लिए गए तो अभी मेला में बड़े टहल चहल मच रहा था हैं, और बच्चा बड़े आनंद से मेला देख रहा था, पिता दिखा रहे थे देखो ये झूला कैसे पड़ा हुआ, सिनेमा थिएटर, अरे बड़े खुश होकर देख रहा था। हठात करते करते हठात कैसे आवेश में पिताजी के हाथ से बेटा का हाथ अलग हो गया, अलग हो गया तो थोड़ी देर बाद में देखे पिता अलग बाप अलग, बच्चा तो जोर जोर से रो रहा है मेरे पिताजी कहाँ मेरे पिताजी, इसको पिता भी सबको पूछ रहे मेरे बेटे को कहीं देखो मेरे बेटे को कहीं देखे, लेकिन जो बेटा रो रहा था ना देखा बहुत लोग इकट्ठे हो गए, किसका छोटा बच्चा खो गया, कोई टफी दे दिया थोड़ी समय के लिए रोना बंद, बोले मेरे पिताजी कहाँ पिताजी, किसने खिलौना दे दिया थोड़ी समय के लिए दुख दूर मन खुश हो गया, बाद में मेरे पिताजी कैसे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा जब तक इसको पिताजी के ढूंढ करके नहीं ला दो ना, जितने भले ही उसको दे दो वो खुश नहीं होगा, इसको पिताजी को ढूंढो पिताजी कहाँ है। एक व्यक्ति उसको पिताजी को ढूंढा, देखा थोड़ी दूर में वो पागल होकर पूछ रहा है भैया छोटा बच्चा मेरी कहीं खो गया देखे हो, बोले हाँ वहाँ पर देखा एक नीला कुर्ता में, वहाँ पर एक बच्चा नीला कुर्ता में, बोले हाँ मेरा बेटा है, बोले कहाँ, बोले वहाँ पर, बोले ले चलो ले जाए, बोले तेरे बेटा, बोले हाँ, बोले तेरे पिताजी, बोले हाँ। बाद उसको जो हाथ पकड़ा दिया ना, अभी उसको कुछ देने का जरूरत नहीं, और खुश हो गया बेटा, उसको खुश हो गया, क्यों उसको बेटा की किसी चीज, उसको पिताजी किसी चीज कमी नहीं, पैसा वाला अथा संपत्ति के मालिक है, पास पिताजी मिल गया तो उसको इधर उधर चीज देने का कोई खुश। कहते उसी तरह हम भी ये संसार रूपी मेला में खो गए, हमने खो गए, लेकिन अभी तो रो रहे हैं मेला में, लेकिन कोई क्या करता है, थोड़ी एक बार भोजन दे दिया थोड़ी समय के लिए खुश, फिर भूख लगने लग गया, किसने एक कपड़ा दे दिया दो दिन बाद फट गया, फिर भूख, कोई बीमारी हो गया थोड़ा दवा दे दिया फिर बीमारी आ गई। ये जगत में कोई भी चीज है ना परमानेंट नहीं है, वो थोड़ी समय के लिए है, हम थोड़ी समय के लिए खुश फिर दुखी फिर दुख खुशी, लेकिन
उसको ऊपर में सबसे बड़ा उपकार किसने किया है? किसने किया सबसे बड़ा उपकार? किसने किया? जिसने उसको पिता को ढूंढ करके बच्चे को मिलाया, वो सबसे बड़ा उपकार। देखो ये चीज को समझ, इसलिए कहते हैं महाप्रभु का जो भक्त ना ये काम करते हैं, हमारी जो असली पिता है जो तुम्हें व माता च पिता तुम्हें तुम्हें व बंधु स सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम, वो जो परम पिता को भूलने का वजह से ही सारे दुख है। अगर हमें कोई अपना पिताजी को साथ में मिला दे बात दुख पर खत्म, दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी और दुख से भोगना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अमर तात्कालिक सुखे आर एक जन दुख अबार अपर सुख भोगेर अभाव, हमें गाड़ी घोड़ा चढ़े अपकृत होले घोड़ा गुलिर असुविधा निवार्य एक पूर्व उपकार कथा बोले महाप्रभु महाप्रभु भक्त तखन लोक वंचना करेना। जैसे हम एक चीज में कोई उपकार हो ना कोई, अब देखना उसमें और किसका अपकार है, किसके और अपकार है, किस चीज में तुम्हारी अगर लाभ हो रहा है। जैसे हमने कोई बिजनेस कुछ किया, हमने इधर उधर करके कुछ पैसा ले लिया तो तुम्हारा तो उपकार हो गया लेकिन एक व्यक्ति का अपकार हो गया। इस जगत में खुद देख लेना, कोई वस्तु में अगर हमारी लाभ हो रही ना, अब देखना दूसरे तरफ में और किसी व्यक्ति की नुकसान भी हो रहे। तो एक उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे घोड़ा गाड़ी में चल रहे अरे उसको अगर चाबू को मारते मारते घोड़ा, तुम तो घोड़े गाड़ी में चल रहे हो लेकिन घोड़े का अवस्था क्या हो रहा है, ये घोड़े का अवस्था क्या हो रहा है, बैलगाड़ी में चल रहे हो, हमारे देश में बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी में तुम चल रहे हो, बड़ा आनंद पूर्वक हम चलते थे लेकिन तुम तो बैलगाड़ी, लेकिन वो बैल का क्या हो रहा है, उसका मुँह से तो झांक निकल रहा है ना। हम जब केदारनाथ हम गए थे ना, केदारनाथ तुम लोग नहीं गए थे ना, गए थे लोग, हम लोग गए थे, जब गए थे हम यमुनोत्री चढ़ रहे थे, इतने कठिन मार्ग है ना, इतने कठिन मार्ग है, सबसे ज़्यादा कठिन मार्ग यमुनोत्री है, हैं पूरा ऐसे सोच नहीं सकते। एक पहले तो मैंने कोशिश किया थोड़ी चलने के लिए, उस समय थोड़ा और मोटा भी था, थोड़ी सी चला तो हाँफने लग गया और हमें से चढ़ा ही नहीं जाए हैं, और चढ़ नहीं पाए। फिर हमने एक खचड़ किया, अभी उसको इतनी चढ़ाई ऐसे एक व्यक्ति पूरा उसको मुंह जो लगा मैं ना पूरा ऐसे पकड़ करके रखता है, क्योंकि वो रास्ता पूरा ऐसे ही है, रास्ता को खोदे भी, क्योंकि नहीं तो वो जो खचर है उसका प्यार स्लिप हो जाएगी हैं, ऐसे पूरा ऐसे। तो एक व्यक्ति उसका मुंह पे ऐसे पकड़ करके हैं ऊपर में उसको पकड़ के धीरे धीरे ले जा रहा था, पूरा एक व्यक्ति को पकड़ कर ले जाता, मतलब बड़ा कठिन मार्ग है। उसको मुँह जिसका मुँह से हम देख रहा था, थोड़ी दूरी चलने के बाद ना जैसे होता है ना हाँ भरते हैं, वैसे हाँ भरता था, क्योंकि खुद तो चलना ही और एक पीठ के ऊपर में 60-70-80-100 किलो का एक व्यक्ति को फिर पीठ के ऊपर लेकर वो हाँ भरता था, मुँह से झांक निकलता था, लेकिन जो बैठा होता आराम से जा रहे, लेकिन उसका क्या अवस्था हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं इस जगत में उपकार में ना एक का तो लाभ है और एक का नुकसान है, एक लाभ एक का नुकसान, लेकिन प्रभु का भक्ति जगत में ना इसमें किसी नुकसान है ही नहीं, इसमें केवल लाभ ही, इसमें लाभ ही लाभ है। हाँ इसलिए कहते तो महाप्रभु महाप्रभु भक्तगण कखनो लोक वंचना करे ना, महाप्रभु उनका भक्त लोग कभी किसको वंचित नहीं करते, ऐसे कोई काम नहीं करते जिसे लोगों को ठगने, कभी दूसरों को ठगते नहीं हैं, उसको कभी भी नहीं ठगते हैं, उनको जो कुछ करते हैं उनका वस्तुओं को लेकर के भगवत सेवा में जब लगाते हैं, भगवत सेवा में लगाने पर जो व्यक्ति जो चीज़ दिया है भगवत सेवा लगने पर वो वस्तु उसकी सार्थकता होगी। हर चीज़ को ठाकुर को सेवा में लगा करके जो दिया हुआ जो करने और देने दोनों व्यक्ति का इसमें कल्याण उसकी मंगल ही मंगल है। तारा एमन उपकार कथा बोले छे, एमन जिनिस दान कर छे जे उपकार सकल रे पक्षे सर्वकाले सर्ववस्थाए परम उपकार। जैसे महाप्रभु भक्तों ने जो उपकार किया है, जो कल्याण किया, कैसे कल्याण किया है, सभी पक्षे सर्वकाल सभी समय में जो कि जीव का कल्याण होने वाला, कभी उसमें अमंगल होने वाले नहीं, ऐसे उन्होंने दया किया। इसी जगत में भी कल्याण है, ऊपर में तो तुम्हारी कल्याण ही कल्याण। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर जगत का जो दान पुण्य कहाँ तक ले सकता है, मतलब ब्रह्म लोक तक ले सकता है,
लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर वहाँ से फिर गिरो, फिर इसी संसार में आओ, फिर इसी संसार में आकर दुख कष्ट भोग करो। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पास में आते हैं, कहते पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जगत में पुनर्जन्म उसकी नहीं होता है। इसलिए यदि यही उपकार समग्र ब्रह्मांड के उपकार, महाप्रभु भक्त लोग जो उपकार करते हैं, केवल अपना कल्याण नहीं विश्व ब्रह्मांड का कल्याण, जैसे भागवत कथा हो रही, कीर्तन हो रही, इसकी आवाज़ जितने दूर तक जाएगा, जितने दूर तक गुंजेगा इसकी आवाज़, उतना दूर तक कल्याण ही कल्याण है। मंगल मंगल ये अपना कल्याण है, दूसरे का भी कल्याण है। सूत्रा में संकीर्ण नहीं, यही उपकार समग्र ब्रह्मांड उपकार। सूत्रा में संकीर्ण सांप्रदायिक नश्वर उपकार प्रस्ताव महाप्रभु महाप्रभु भक्तगण कखन करें ना। महाप्रभु उपकार कौन दिन कहार कौन मंद प्रसव करे ना, तहा महाप्रभु दया अमंद उदय दया। महाप्रभु ने जगत में जो कल्याण किया, जीव जगत को जो दिया है, कोई कोई कहते हैं अरे ये गौड़ी बटे वाले तो कभी कीर्तन ही करते और तो कुछ करते नहीं, बस बोल हरि बोल करते रहते हैं, हाँ हरि बोल करते हैं। ये बाबा लोग का क्या करते, कोई काम धाम है नहीं, दिन भर माला जप करते हरि हरि बोल करते हैं, हैं। लेकिन किसको दान करना, दूसरे दूसरे आश्रम जैसे भारत आश्रम जैसे रामकृष्ण मिशन, इन लोगों ने क्या क्या करते हैं, जीव कल्याण करते हैं, हैं। लेकिन ये लोग तो हैं, ये लोग तो कुछ नहीं, दिन भर हरि बोल करते रहते और कोई काम नहीं करते। बोले भैया ये हरि बोल कर रहे हैं ना, ये हरि बोल से ही, हरि मतलब दुख कष्ट हरण करना, हरि बोला हरि बोल क्या, हरि मतलब हरना जो करता है, जो दुख कष्ट जीव का जो हरण करता है वो हरि वो हरि है। हरि बोल मतलब जब हरि का नाम लोगे क्या होगा, तुम्हारी समस्त दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैं, समस्त दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए दूसरे दूसरे जो मिशन दया करते हैं, वो दया करते हैं, ये शरीर की दया करते हैं, ये शरीर की दया करते हैं, लेकिन ये शरीर का जो दया लिमिटेड समय है, थोड़ी समय के लिए है। फिर इस शरीर के जैसे दया किया है, फिर तुमको इसका फल भी लेना पड़ेगा, बोले क्या फल लेना पड़ेगा, उसको पुण्य भोगने पर फिर संसार में आओगे, संसार में आओगे तो फिर क्या होगा, संसार में आने पर सब तरह का दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। कि संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो संसार में दुख कष्ट भोग करते नहीं है, तन से मन से दुखी, शरीर से दुखी, जन्म लोगे तो यही दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के लिए भी दया करना भी बंधन है, ये भी बंधन है। लेकिन जब हरि बोल बोलोगे, दूसरों को भगवत भक्ति दोगे, बस चिरकाल के लिए बस भगवान का धाम में जाओगे, जहाँ जाने से कभी तुम इस जगत में नहीं आओगे। ऐ जन्य बलि महाप्रभु महाबदन्न, महाप्रभु भक्तगण महा महाबदन्न, ये लगता नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक। महाप्रभु जगत में सबसे बड़ा धनी महाप्रभु, कहते उनका जो भक्त लोग कैसे, वो तो महाबदन्न, लेकिन ये लोग महा महाबदन्न, महाप्रभु से भी ज़्यादा दयालु महाप्रभु के भक्त लोग। देखो जो भक्त लोग है क्या करते हैं, हमारे जो भक्ति वृद्धान स्वामी महाराज थे ना, उन्हें 70 साल उम्र में अमेरिका गए और जहाज में बैठ कर, बल तीन बार उनका हार्ट अटैक हुई रास्ता में, तीन बार उनकी हार्ट अटैक हुई है, हाँ इतने कष्ट से गए और अपना हाथों में बना बना करके उन्होंने उनको प्रसाद खिलाए, इतने परिश्रम किया जो सोच नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते। तुम लोग तुम लोग माला नहीं लेना नहीं था, तुम लोगों को किसको लेना था, माला लेना ठीक है, बैठो अभी खत्म कर देता, अभी दो मिनट में खत्म हो जाएगा, बैठ गया। इसलिए कहते हैं इनका जो दया है, हैं, कहते महा महाबदान्य भक्त लोग इतने दुख कष्ट को, एक भक्ति वेदन स्वामी महाराज वो कागज को खरीद करके लाते थे, सर पर ढोकर ले आते थे, कहीं गिर पड़े उन्हें, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए तो फिर होश आया तो फिर उठ गए, फिर उसको लेकर गए प्रिंटिंग स्वयं प्रूफ, अब सोच नहीं सकते इतने कष्ट उन्होंने किया प्रचार करने के लिए। एक महाराज थे, हम प्रचार के लिए जाते हैं, वो महाराज तो रास्ता में तो बेहोश होकर गिर, फिर जब चेतना आया फिर चल पड़े। मतलब इन लोगों ने भगवान की कथा प्रचार करने के लिए दरवाजा दरवाजा पर भगवान के नाम कथा देने के लिए इतने परिश्रम किया जो सोच भी नहीं सकते, इतने कष्ट किया, तभी जगत में हरि भक्ति प्रचार होता है। देखो जिस सवेरे हमने कथा की, फिर चार घंटा फिर बैठेंगे, फिर रात को किसी घर में जाएंगे, कितना जाएंगे, फिर 11-12 बज जाता है। इसलिए इतने जब तक कोई परिश्रम नहीं करोगे ना, सेवा नहीं करोगे तो सेवा नहीं मिलेगा, परिश्रम करेंगे तभी तो प्रचार हो सकता है, नहीं तो प्रचार ऐसे नहीं हो जाता है। इसलिए कहते महाप्रभु का दया जगत में सब दया श्रेष्ठ दया, उन्होंने मत्स्य कुर्म बढ़ाओ, इन लोगों ने जो चीज दिया उन्होंने
ब्रज प्रेम उन्होंने प्रदान किया, महाप्रभु का धाम को महाप्रभु भक्त दिया, इसलिए इनकी दया जगत में सबसे बड़ा दया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हम लोग कीर्तन कर।